अच्छा रे, रेस लगाएगी क्या? तो भाई बोल रहा हूँ राहुल मन के जौहर, मैं रवि और आप हमारे साथ हमारे इस YouTube चैनल बाइक एंड व्लॉग पर। मतलब आज सुबह के 7 बज रहे हैं और ये बंदा जागा हुआ है, ऐसा कुछ अनहोनी जैसा नहीं लग रहा है। मतलब है भाई, थोड़े अच्छे इंसान हो गए अपन, जल्दी उठने की कोशिश करते हैं। मतलब ऐसा अपन आज 6 बजे का अलार्म लगाया था और तकरीबन 6:50 में उठे हैं और सोचिए 10-15 मिनट में रेडी होकर निकल लिए। मतलब इतना टैलेंट कहाँ मिलता है लोगों में। खैर चलिए, मतलब कोई भाई, आज अपन जा रहे हैं कुछ लोगों से मिलने के लिए। मतलब भरत मिला, काफ़ी टाइम हो रखा था, हमारे कुछ कॉलेज के फ्रेंड हैं तो कल सोचा कि मिल लिया जाए। तो आज प्लान बनाया कि हम लोग चलेंगे होरोब जंगल, होरोब। खैर जो भी हो, मतलब जाते हैं, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं क्या सीन है वहाँ का, और फिर वो नाम जो कन्फर्म भी करेंगे भाई, होराब है, होरोब है या होरो जंगल है, जो भी है। 7 बजे टाइम था मिल लेने का, पर अभी 7 बजे कुछ मिनट हो चुके हैं और शायद थोड़े टाइम में फ़ोन आ ही जाएंगे। ये ऐसा सुबह सुबह ड्राइव करने में ना बड़ा सुखद अनुभव हो रहा है। ट्रैफिक 0 है तो और मज़ा आ रहा है भाई चलाने में। मतलब इस रोड पे मैं कभी 70-70 में गाड़ी नहीं चलाता था, क्योंकि इतना रश था कि भाई कभी ऐसा मौका मिलता नहीं था, पर आज सही है भाई। मतलब आज ऐसा अपना दिन का शुरुआत तो काफ़ी अच्छा हुआ है, तो आई होप हमारा सारा दिन मतलब सही जाए। मतलब ऐसा अपने पास बहुत सारा मिस्ड कॉल आ चुका है। हाँ, मैं रातू रोड क्रॉस कर रहा हूँ, कहाँ पे है तुम लोग? ठीक है ठीक है, बस 5 मिनट। मतलब ऐसा है कि सीन अभी थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ा है, अपन पहुँचे हैं पिस्का मोड़ और बताएं हैं रातू रोड। मतलब ऐसा व्लॉग अगर वो दो लोग देखे तो थोड़ा डिसअपॉइंटेड होंगे, और बाकी कोई नहीं, ऐसा झूठ चलता है थोड़ा बहुत। मतलब ऐसा क्या गजब हो गया भाई, मतलब मैं 7 मिनट में अपने घर से यहाँ गैलेक्सिया क्रॉस कर गया। सही है भाई सुबह का ड्राइविंग। ओ भाई भाई भाई, जाने दे मेरे को, जल्दी है मेरे को। ऐसे 8 मिनट में मेट्रो गली पहुंच गया बॉस, ये क्या मतलब अजूबा तो नहीं हो रहा रोड चौक। ये सही रिकॉर्ड कायम कर लिया हमने तो।
फिर आए लाल। हाँ ठीक ठीक। ऐसा कितना झूठ बोलना पड़ेगा रे बाबा मेरे को बताओ तो। ऐसा मैं 13-14 मिनट में पहुंच गया डेली मार्केट बताइए तो। और ऊपर से 1.5 मिनट का जाम रातू रोड चौक पे, मतलब 11-11 मिनट में अपन यहाँ पहुंच गए हैं। तो भाई बड़ी अच्छी वाली बात है, मतलब अच्छा खुशी हो रहा है अपने को। ये धूप खाओ थोड़ा सा। थोड़ा सा ठंड लगा, थोड़ा सा बस। हाँ थोड़ा सा तो बस। ऐसा है ना कि मतलब आपको सरला बिरला वाले गली से एंटर करना पड़ेगा और इधर तकरीबन 5-6 किलोमीटर अंदर जाने के बाद जो सीनरी मिलेगा ना, मतलब उसे देख के आंखों को सुकून मिलेगा और दिल को ठंडक। मतलब ऐसा जो भी है, मतलब निकल जा रहा है समझ लो, मतलब बहुत सही है। और ये मतलब परफेक्ट टाइम में, मतलब मॉर्निंग में आने के लिए, मतलब इधर नेचर से थोड़ा बेटा मुलाकात हो जाएगा अपना। अपन बहुत टाइम पहले से सोच रहे थे कि भाई इधर आएंगे और मतलब वैसा कोई टाइमिंग मतलब बन नहीं रहा था, वैसा कोई सीन भी नहीं बना। तो सही था कि मतलब नहीं बना, मतलब आज बन गया वो सही है। ये कोई इंस्टीट्यूट, मतलब ऐसा आपको थोड़ा बहुत रास्ता खराब मिलेगा इधर मतलब कुछ दिनों तक, और बाकी सब इधर छकाछक है, मतलब एक नंबर। मतलब ये ऐसा अपन पहुंच चुका है और यहाँ पे यही सब है देखने को। कुछ नहीं रे लड़की। अच्छा आना तो बनता है बस, मतलब ये काफ़ी सही जगह है। आओ थोड़े मज़े वज़े करो, कुछ लोगों को लेकर आओ और थोड़ा एक्सप्लोर करो इस जगह को। बाकी सब चंगा है, बहुत देर मतलब तकरीबन 1 घंटे रुके हैं और बाकी थोड़ी देर में निकलते हैं। तो फिर मिलते हैं एक अच्छे ब्लॉग में, मतलब बहुत जल्दी एक अच्छा ब्लॉग आने वाला है, मतलब फिलहाल 1-2 दिन के अंदर एक बहुत सुंदर सा ब्लॉग आने वाला है बनारस का। तो उसे इंजॉय करिएगा, बाकी सब चंगा।
मतलब अभी तकरीबन 9:10 हो रहे हैं और अपन वापस ही जा रहे हैं वापस ही। और देखिए बस क्या नज़ारे हैं, मतलब ऑसम। अगर आपको टाइम मिलता है थोड़ा सा और थोड़ा चाहते हो मतलब सुकून वाली जगह पे आना, तो भाई इधर आना बनता है। अच्छा रे, रेस लगाएगी क्या? जिंदगी संग है बिताएंगे।